जब 2 साल पहले हम लोग आंदोलन की शुरुआत किए थे तो यही धनबाद बोकारो का वो सीमा था, और उस समय को हम लोग को आभास नहीं था कि हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। तो बातों ही बातों मैंने वचन दिया था कि जब भी हम लोग राजनीतिक गलियारों में कदम रखेंगे और उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की जाएगी तो वो दामोदर नदी का किनारा ही होगा, और बिल्कुल आज हम लोग तेलमोजो ब्रिज के ठीक सामने धनबाद बोकारो की मिड पॉइंट पर खड़े होकर आज हम लोग प्रत्याशी का चयन करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि लोकतांत्रिक ढंग से हम लोगों ने प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किया और सभी को रायशुमारी करने का अवसर दिया। कोई लोग ऐसे हैं जो इच्छा रखते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने का, उनको भी हमने प्रीफर किया, और फाइनली 12 नाम हमारे पास आए जिनमें 4-5 नाम से हम लोग सहमत हुए। और एक आध दिन में क्या रखी है आपने अपने योग्यता, पहले 2 साल से कंटिन्यू आंदोलन का में जुड़ा होना, क्योंकि धनबाद बोकारो में योग्यता पहले रहेगी कि आप आंदोलन से कितने जुड़े हैं, एक्टिव मेंबर कितने हैं, और सबसे पहले बात आंदोलन में आप कितना समय दिए हैं, ये सारी चीजें। अगर हम देखें तो आपकी बातों को सुने तो कभी 2 सीटों से तो कभी 5 सीटों से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या योग्य लोग आपके दलों में कम है क्या? देखिए ना, योग्य लोग कम नहीं है, एक्चुअली है कि एक फेस वैल्यू होती है, और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव नहीं है। योग्य बहुत हैं, PhD करने वाले हैं, LLB करने वाले हैं, मास्कॉम करने वाले हैं, MTech करने वाले हैं, MPhil किए हुए लोग हमारी पार्टी में हैं। और आपको बताना चाहेंगे, जी हाँ, पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी है, लगभग 6 लोग हैं हमारे जो केंद्र कमेटी में जो PhD कर रहे हैं, ISM से PhD किए हुए डॉक्टरेट लोग हमारी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं, पढ़ी लिखी और योग्यता की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि फेस वैल्यू और जो भी कारण रहे। अगर हम देखें तो BJP के तरह आप भी फेस वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव आपका फेस वैल्यू मायने रखता है, क्योंकि हर एक गांव तक जयराम महतो नहीं प्रचार के लिए जा पाएगा, वहाँ उस कैंडिडेट का फेस वैल्यू मायने रखता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि मात्र 2 साल हुआ हम लोग का आंदोलन का और पार्टी बढ़ा हुआ लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, जून के महीने में पार्टी बढ़ाए हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा यथार्थ की राजनीति करने वाले हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं अपने खामी के रूप में। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग अपनी ऊर्जा को सबसे महत्व रखते हैं, और भले उनकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी गांव-गांव तक हम लोग आसानी से चले जाएंगे। कितना टसन होगा धनबाद लोकसभा, जो कि BJP एक भोजपुरी स्टार को उतार करके क्या असर पड़ेगा JBKSS पर? अभी तक शायद कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अच्छा, पवन सिंह जी का लगभग भारतीय जनता पार्टी से आपका आंदोलन धनबाद और बोकार रहा, लेकिन धनबाद और बिल्कुल आपका आपकी बातों में पॉइंट है, और मेरे सवाल का जो उत्तर होगा उसमें भी पॉइंट है। लड़ने का रीजन यह है कि मेरा जो खुद का वोटर आईडी है, जब हम खुद बात करते हैं कि भाई जिनका यह वोटर आईडी रही, जो लोग इस क्षेत्र के रहे हुए लोग लड़ते हैं, तो मेरा खुद का वोटर आईडी गिरिडीह लोकसभा में है। मेरा गाँव, मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा गिरिडीह है, इसीलिए मैंने खुद के दल और आपके दल के प्रत्याशियों ने, लोगों ने जो बाहरियों के लिए जो शब्द और वाणियों का इस्तेमाल किया, तो कितना साथ लगता है मिलेगा बाहरियों का? दूसरी बात कि अगर हम तब की बात नहीं कर रहे हैं कि आप हार जाते हैं, तो मैं तब की बात करता हूं कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप किस गठबंधन को साथ देंगे? आप इंडी गठबंधन का साथ देंगे या NDA गठबंधन का साथ देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, उस समय 2 चीज़ें होंगी, जिनका साथ देंगे उनसे एक बार चर्चा होगी कि आप हमारे मुद्दों के साथ कितने हैं, हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरा राय होगी जनता के साथ कि हमको किसे किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज सोशल साइट्स का ज़माना है, हम लोग तुरंत ट्विटर में कैंपेन कर सकते हैं, हैशटैग अभियान चला सकते हैं, और वहाँ से एक मैसेज हमारे सामने सर्कुलेट होकर जब आएगा, या फिर हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, तो जनता से पूछ के और अगली पार्टियों से अपने क्षेत्र की रजामंदी लेके हम लोग उस पर सोचेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, उस प्रकार हमने कभी किसी को नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। हमने ये कहा कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उसके पास 88,752 वर्ग किलोमीटर है। बिहार हमारा मंझला भाई है, उसके पास 94,163 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। उड़ीसा हमारा संझला भाई, उसके पास 155,707 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड सबसे छोटा है, इसके पास 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब मेरा सवाल ये है, अभी देखिए कल का रिजल्ट आया, 61 में से 39 यूपी बिहार के हैं, बताइए अन्याय है कि नहीं है? ये भारी भीतरी लड़ाई नहीं है भैया, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर भारत एक देश है, उस आपके संगठन के लोग तो लगातार भारियों को ही नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, हमें जो बंटवारा मिला है उसमें हम साग लगाएं, सब्जी लगाएं, वो हमारा मैटर है, आपके पास जो बंटवारा है, यानी आपके जो राज्य की नौकरियां हैं, आप उस पर अपना अधिकार जमाएं, हमारे राज्य की नौकरियों पर अधिकार हमारा रहे। बताइए 61 में 39 बाहर के लोग ले गए, तो बताइए झारखंड क्या करेगा? यहाँ के लोग अपराधी बनेंगे, यहाँ के लोग कोयला ठेलेंगे, यहाँ के लोग बालू ठेलेंगे, क्या करेंगे यहाँ के लोग? आप ही बताइए, ये कहाँ से समय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो हमारी मैटर करेगा ना चुनाव में? देखिए मैटर करेगा, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है भाई, हम लोग स्थानीयता पर हैं। ऐसा नहीं है अगर महाराष्ट्र में किसी झारखंडी के वोटर कार्ड है तो वह जाके चुनाव लड़ता है, वह महाराष्ट्र किसी नेतृत्व को स्वीकार करता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लोगों का साथ मिलेगा? अब बिल्कुल मिलेगा, जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, उनका भरपूर हमें साथ मिलेगा, जिनका जीवन अभाव से बीता है
वो हमारे साथ हैं। वोटर को प्रीफर किया कि मैं पहला वोट खुद को दूं, इसलिए गिरिडीह लोकसभा मेरा प्राथमिकता है। जयराम जी, दो सवाल एक साथ पूछना चाहूंगा, समय का अभाव को भी। इनके पास ना मनी पावर है ना ही इनके पास औजार है, तो ये कैसे उन लोगों का देखिए, औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, औजार असंवैधानिक है, औजार से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव जो भारत का संविधान है उस दायरे से लड़ा जाता है और हम लोग उस दायरे से चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक अगर ऐसी परिस्थिति सामने आएंगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि झारखंड ही रक्त से लहू बहने से झारखंड का निर्माण हुआ है, तो अगर हमारे रक्त से झारखंड मजबूत होगा तो पीछे हटने के कोई चांस नहीं बनता है। धनबाद में बीजेपी के साथ टक्कर होने वाला है और बीजेपी के पास तो काफ़ी फाइनेंशियल है, आपके पास ना फाइनेंशियल है ना ही आपके पास बड़ा इनकम सोर्सेस है, तो आखिर आप धनबाद में कैसे प्रमोट कीजिएगा? देखिए, उसके लिए जनता है, मीडिया बंधु हैं जो विचारधारा को हमारे गांव तक लेकर जाएंगे। आज सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है और नरेंद्र मोदी आदरणीय अगर प्रधानमंत्री बने तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। 2014 से पहले हम भी सच में नहीं जानते थे उनको, 2014 में उनसे हम परिचय हो पाए कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, जबकि उससे पहले नहीं जानते थे। तो इंटरनेट का ज़माना है, हम लोग इंटरनेट हमारा सहयोग करेगा, इंटरनेट के भी साथ साथ हम लोग ग्राउंड पर भी हैं। आज लगभग 12 करोड़ 37 लाख का मुआवजा मायने है 6 महीना में, हम लोग ग्राउंड पे हैं। इंटरनेट और आईटी सेल कभी कभी अफवाहों को भी इतना बहा देता है कि झूठ को भी सच बतला देता है। जी, ये सत्य तो ये है। फिर कैसे होगा? उसके लिए हमारी एक विशेष टीम रहेगी और